तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मन चलो, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि महिलाओं और छात्राओं की तत्काल सुरक्षा के लिए बनाई गई दुर्गा शक्ति की टीमें सोमवार से शहर की सड़कों पर गश्त करना शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। महिला और छात्राओं को यह ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। उसके बाद केवल एक बटन दबाने से ही पुलिस की मदद तुरंत मिलेगी। रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर तैयार की गई टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी। अगर कोई मन चला युवक किसी छात्रा या महिला को परेशान कर रहा है तो उसे मौके पर ही सबक सिखाया जाएगा। दुर्गा शक्ति टीम के लिए स्पेशल दो गाड़ियां भी सिरसा को दी गई है, जिस पर दुर्गा शक्ति का स्लोगन और हेल्पलाइन नंबर भी लिखा गया है। इसके अलावा महिला थाना की टीम भी उनके साथ अलग से गश्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिरसा तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय मौजूद हूं सीएम के कॉलेज में। जैसा कि हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स है वो तैनात की गई है, और इस समय हम सीएम के कॉलेज में हैं सिरसा में, और सिरसा में इसकी लॉन्चिंग हुई है आज कुछ ही देर पहले। जो डीएसपी हैं साधु सिंह, उन्होंने दो गाड़ियां हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स की हैं, दुर्गा शक्ति अभियान है जो उसकी रवाना की है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं नीली वर्दी में, और बाकी जो लोग हैं वो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, एक संयुक्त अभियान ये चलाएंगे। और ये खास करके कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली जो छात्राएँ हैं उनको ऐप के बारे में जानकारी देंगे। दुर्गा शक्ति ऐप है वो लॉन्च किया गया है, ताकि कभी भी छात्रा अगर असुरक्षित महसूस करती है तो उस ऐप पे सूचना दे सकती है, अपनी लोकेशन दे सकती है। उसके बाद ये जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो टीम है वो वहाँ मौके पे पहुँचेगी और उनको छात्रा को सुरक्षा मुहैया करवाएगी। खास बात ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेज के आसपास मंडराने वाले मनचले हैं वो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि दुर्गा शक्ति जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो उन मंचलों को सबक सिखाएगी जो छात्राओं का पीछा करते हैं, फबतियाँ कसते हैं। उसको लेकर के जो ये रैपिड एक्शन फोर्स है ये पूरे प्रदेश में शुरू की गई है, और सिरसा को दो गाड़ियां दी गई हैं। और करीब कितने जवान हैं सिरसा में? 24 जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो है महिला है, कॉन्स्टेबल है, वो तैनात की गई है जो छात्राओं को सुरक्षा देंगी। खास करके जो छात्राएँ असुरक्षित महसूस करती हैं तो उसको लेकर के जो ऐप है, ऐप की जानकारी भी दी जाएगी। तमाम जो शहर के पूरे सिरसा ज़िले के कॉलेज और स्कूल हैं उनमें छात्राओं के जो मोबाइल हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, उनमें ऐप है वो डाउनलोड करवाया जाएगा। इसके बाद उनको जानकारी दी जाएगी कि जब भी वो असुरक्षित महसूस करें, कोई मंचला उनका पीछा करता है, तो उस ऐप से वो अपनी लोकेशन बता सकती हैं पुलिस को। रैपिड एक्शन फोर्स जो दुर्गा शक्ति जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनको सूचना दे सकती हैं, और उसके कुछ ही तुरंत बाद जो ये फोर्स है वहाँ मौके पर पहुँचेगी और छात्रा को जो है सुरक्षा मुहैया करवाएगी। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि सरकार का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं उसको सार्थक बनाने के लिए सरकार का ये सराहनीय कदम है, एक पहल है कि पूरे प्रदेश में दुर्गा शक्ति के नाम से ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो तैनात की गई है। 15 जुलाई को जो ये नया ऐप डाउनलोड किया गया, मतलब मैं सभी अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ जितनी भी मेरे लिंक में है कि ये ऐप डाउनलोड करें, ताकि आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आपको इन्फॉर्मेशन लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, ताकि आप इस बटन को क्लिक करें और ताकि उसी टाइम आपके पास हेल्पलाइन मतलब पुलिस वाले आ जाएंगे कि आपको किसी भी सुरक्षा में मतलब। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐप छात्राओं के लिए और जितनी भी हमारे शहर की लड़कियां हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कई बार बच्चे हेजिटेट करते हैं, घर वालों को नहीं बताते, अध्यापकों को नहीं बताते, और लगभग सभी बच्चों के पास आजकल फ़ोन होता है और वो फ़ोन से बड़ा सेफ़ महसूस करती हैं और इमीडिएट वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं। और हमारे यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो महिला पुलिस डिपार्टमेंट है, बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, जिससे बच्चों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।